मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 187 से लेकर 90 तक करते हैं। तर्जमा, और अल्लाह ताला ने जब अहले किताब से अहद लिया कि तुम इसे सब लोगों से ज़रूर बयान करोगे और उसे छुपाओगे नहीं, तो फिर भी इन लोगों ने उस अहद को अपने पीठ पीछे डाल दिया और उसे बहुत कम कीमत पर बेच डाला। इनका ये व्यापार बहुत बुरा है। वो लोग जो अपने करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं कि जो इन्होंने नहीं किया इस पर भी इनकी तारीफ़ें की जाएं, आप इन्हें अजाब से छुटकारे में ना समझिए, इनके लिए तो दर्दनाक अजाब है। आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादर है। आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के हेर फेर में यकीनन अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। सदकल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी और सी सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएँ कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 12 के पार्ट बी और सी को सॉल्व करने से पहले अगर आपने इसकी पार्ट ए वाली वीडियो नहीं देखी तो वो आप लाजमी देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास आ जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज करें, जो आपके पास गिवन इक्वेशन थी कि 3x का स्केयर प्लस 3y का स्केयर इक्वल टू 1, अगर मैं सबके साथ 3 को डिवाइड कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगी x का स्केयर प्लस y का स्केयर इज इक्वल टू 1/3। और अगर मैं इसको आप कंपेयर करता हूँ इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ, जनरल इक्वेशन के साथ, तो वो आपके पास x का स्केयर y का स्केयर इज इक्वल टू a का स्केयर, तो फिर मैं कह सकता हूँ जो a स्केयर की वैल्यू है वो आपके पास 1/3 है। तो ये आपके पास आ जाएगी a स्केयर इज इक्वल टू 1/3, अंडर रूट अप्लाई कर दें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 1/√3। हमने a की वैल्यू निकाल ली, अब हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए m की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो जो m की वैल्यू आपके पास होती है वो होती है m इक्वल टू tan थीटा, और ये आ जाएगा m इक्वल टू tan 30 डिग्री, यानी जो एंगल हमें गिवन है वो 30 डिग्री था, जो tan 30 होता है वो आपके पास होता है 1/√3। तो ये वैल्यूज हमने निकाल लिए हैं, अगर हम इसको अपनी मैन इक्वेशन में पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू, इस m की जगह हम पुट कर सकते हैं 1/√3x, और इस c की जगह इसका फार्मूला आपके पास होता है प्लस माइनस a 1 प्लस m का स्केयर। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे आ जाएगा y इक्वल टू 1/√3x प्लस माइनस a, a आपके पास आ जाएगा 1/√3, और फिर ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस m, m आपके पास है 1/√3 का स्केयर। इसको हम थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं, आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू x/√3 प्लस माइनस 1/√3। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 1/3। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ, ये आ जाएगा x/√3 प्लस माइनस 1/√3, मेरे पास आ जाएगा 3 1 3 3 प्लस 1 4/3। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू x/√3 प्लस माइनस 4 का जो अंडर रूट होता है वो आपके पास होता है 2, और नीचे √3 और √3, ये आ जाएगा √3 का स्केयर, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा y इक्वल टू x/√3 प्लस माइनस 2/3। तो इसको एक बार प्लस में लिख लें और एक बार माइनस में लिख लें, यही हमारा आंसर है। इसको हम यूँ लिख सकते हैं y इक्वल टू x/√3 प्लस 2/3, एक ये आंसर हो जाएगा, और एक आ जाएगा y इक्वल टू x/√3 माइनस 2/3, ये दूसरा आंसर हमारे पास। तो चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। नंबर सी, पार्ट नंबर सी में भी बिल्कुल
बी की तरह कि सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर इक्वल टू फोर। इसको अगर हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर, तो मतलब ये हो गया कि आपके पास आ जाएगा ए स्केयर इज इक्वल टू टू का स्केयर। तो हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू जो आपके पास है वो आ गई है टू। इसी तरीके कार से हम यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं कि एम इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन आपके पास जो 60 डिग्री होता है वो आपके पास होता है अंडर रूट ऑफ 3। तो हमने एम की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। तो अगर मैं यहाँ पे फार्मूले में पुट कर दूँ, यह आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एम की जगह आ जाएगा अंडर रूट 3 एक्स, यह आ जाएगा प्लस माइनस सी यानी कि ए 1 माइनस एम का स्केयर। तो बस जो वैल्यू हमने निकाली है उसको अपने क्वेश्चन में पुट कर दें, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एक्स प्लस माइनस ए, ए आपके पास आ गया है 2, 1 माइनस एम का स्केयर, अंडर रूट 3 का स्केयर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एक्स प्लस माइनस 2, 1 माइनस ये इसके साथ कैंसिल आ जाएगा, अच्छा ये 1 प्लस है तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा y अंडर रूट 3 एक्स प्लस 2 अंडर रूट 4, ये आ जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट 3 एक्स प्लस ये 2 और ये भी आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट 3 एक्स प्लस 4। तो बस हमारे पास ये दो आंसर आ जाएंगे, एक आ जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एक्स प्लस 4 आ जाएगा, और एक आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट 3 एक्स माइनस 4। ये हमारे पास इसके दोनों आंसर है। इसी के साथ 8.2 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, शक्लो सूरत इंसान का पहला तारफ है, इंसान का दूसरा और असल तारफ उसके अल्फाज हैं। अपना दूसरा तारफ मुकम्मल कर लो, इतना मुकम्मल कर लो कि लोग तुम्हारा पहला तारफ भूल जाएं। प्यारे बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।